केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में 10 रनों से हरा दिया। लखनऊ ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जीत दर्ज की, लेकिन जीत के बावजूद लखनऊ को ट्रोल का शिकार होना पड़ा। सबसे पहले तो राहुल को लेकर केविन पीटरसन के बयान पर बवाल मच गया। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर पीटरसन ने राहुल को सबसे बोरिंग बल्लेबाज बताया। पीटरसन का कहना है कि राहुल पावर प्ले का सबसे बोरिंग बल्लेबाज है। राजस्थान के खिलाफ राहुल ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि लखनऊ के कप्तान की शुरुआत काफ़ी धीमी हुई। उन्होंने ट्रेंड बॉल का मेडन ओवर भी खेला, जिसके चलते राहुल को ट्रोल का शिकार होना पड़ा। दूसरी तरफ आवेश खान, जिन्होंने RCB के खिलाफ मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन करते हुए हेलमेट को ज़मीन से पटक कर तोड़ दिया था। हालांकि इसके लिए उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी और बाद में उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। लेकिन जब आवेश खान से पूछा गया कि जो हेलमेट आपने तोड़ा है उसके पैसे कौन देगा, इस पर गेंदबाज ने मज़ेदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा, हेलमेट के पैसे मैं नहीं दूंगा, वो तो मैनेजमेंट देगा, वो मेरा थोड़े ही ना था, कुछ तो अलग करना था ना। ऐसे में जब हमें जीत मिली तो वही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। आपको बता दें कि इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पे है।